में गेहूं फसल खरीद का आज सातवां दिन है, लेकिन आज भी किसानों को अनाज मंडियों में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्हें हर मुहैया पर सुविधा जो करवाई जाएगी, ऐसे में किसानों को अनाज मंडियों में बारदाना नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परेशान होकर किसानों ने आज पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, नाभा, खन्ना और पटियाला की, जहां पर किसानों ने परेशान होकर कैप्टन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कैप्टन सरकार ने बाकायदा ये बात कही थी कि किसानों को जो फसल लेकर आएंगे उसका एक एक दाना खरीदा जाएगा और किसानों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन सारे दावे खोखले दिखाई दे रहे हैं। परेशान होकर किसानों ने आज धरना प्रदर्शन किया, कैप्टन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो ये तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वहीं बठिंडा में पीआरटीसी और पनबस के ठेका मुलाजिमों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बठिंडा में बस स्टैंड की रैली कर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। ठेका मुलाजिमों ने कहा है कि वो कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी को बढ़ाया नहीं जा रहा है, उन्हें कम सैलरी में काम करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की भी मांग की। तो लंबे समय से पीआरटीसी के कर्मचारी और पनबस के कर्मचारी सरकार से यही मांग कर रहे हैं, जो अनुबंध कर्मी है उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ तनख्वाह बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में बठिंडा के बस स्टैंड पर यह प्रदर्शन किया गया, कैप्टन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर जल्द ही पूरा करने की मांग की है। लड़ाई सानू लड़नी पै रही है क्योंकि वह ठेकेदार लिया रहे हैं, जो ठेकेदार रूल है जी 11 तनखा मिलती 46 रुपये तनखा दी 12 घंटे ड्यूटी, फिर जो मर्जी ठेकेदार कोई बंदा तो सपेयर है, अगर सपेयर होंगे तो असं रेस्ट दवा देंगे सी बंदा तू यार सपेयर फलाने बंद भेज दो इन रख लो। हूँ ये की कर रहे हैं ठेकेदार थ्रू भी उनकी ड्यूटियां भी ठेकेदार लाऊगा, जो बंद सपेयर है अब बठिंडा डिपो सपेयर है तो उन्होंने बुढ़लाड़े भेज दो, संगरूर भेज दो भी उन्होंने काम लेना, अभी सपेयर नहीं छड़ना। बनती कानून मुताबिक 4 रेस्टा बनती हरेक बंदे वो महीने बाद रेस्टा मिलना देख के राजी नहीं सरकार, ये सारा काम करना सरकार से मैनेजमेंट चाहिए पर यह सरकार नहीं करनी। सरकार वालों सिर्फ जिहड़े जुमले फेंके जा रहे हैं जिवें नशा खत्म कर देंगे, घर घर नौकरी देवांगे, इदां दे जिहड़े सरकार दे वादे सी ओह सरकार हर फ्रंट ते फेल हुई है। और जिहड़ियां मुलाजम जिहड़े पीआरटीसी जां रोडवेज पनबस दे विच काम करदे आ पिछले 15-15 साल तो काम कर रहे हैं, और मुलाजम जिहड़ी तनखा 10,000 जां 11,000 रुपये है, जदों 2-4 लीटर कोई डीजल वध पै गया, कोई मशीन की टुट भज होगी टिकट मशीन की, जां कोई बस का नुकसान हो गया, तो उहदा सारा जिम्मेवार कर्मचारी नूं ठहराया कि ड्यूटी ते कढ दित्ता जांदा। सो इहो जिहे जिहड़ियां सिस्टम आ इह नहीं होना चाहिए सरकारी इदारिआं दे।